जनवरी 2021 को भारत के अदम्य साहस और पराक्रम के धनी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पहली बार भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं रवीना कक्षा 12वीं की छात्रा इन महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1870 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। वो आजादी हासिल करना चाहते थे ताकत के जरिए, जबकि महात्मा गांधी आजादी हासिल करना चाहते थे अहिंसा के जरिए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के इस सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने स्वराज नाम की पत्रिका भी निकाली, कई बार देश की आजादी के लिए जेल भी गए। महात्मा गांधी के जरिए 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया, जिनमें सुभाष चंद्र बोस ने हिस्सा लेकर देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। लोग उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। उन्होंने जय हिंद, तुम